हेलो स्टूडेंट, इस संडे एमसीए में कौन सा टेस्ट पेपर होगा वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस संडे आपको एक सरप्राइज मिल गया होगा क्योंकि मैंने आपको मॉक पेपर दिया था निमसेट का, और मैं ये बताना नहीं चाहता था। आप में से कई बच्चों ने, जब ऑनलाइन वाले जो बच्चे थे उन्होंने बोला था सर टेस्ट सीरीज मार्च से स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए कम टाइम लगेगा या एकेडमी में, तो मैंने ये प्लान किया कि टेस्ट सीरीज को हम क्यों ना प्रीपोन कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जिससे अच्छा हो सकता है वो काम करने में मुझे कभी भी देर नहीं लगती, और वही मैंने किया। तो अब इस संडे भी, इस संडे से एक चीज आप समझ लीजिए कि हर संडे एक मॉक पेपर होगा, और आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो तो मॉक पेपर्स के एनालिसिस पे बहुत वर्कआउट करना है। वो कैसे वो बता दूं। सबसे पहले तो 50 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के, 40 एलआर के और 10 कंप्यूटर फंडामेंटल के और 20 इंग्लिश के। आप मार्किंग भी ऐसे ही करिएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा मार्किंग करने का तरीका। नंबर वन 600 मार्क्स का पेपर है, 12 राइट के नंबर लीजिएगा और 3 रॉन्ग के, जिससे आपको आपकी रैंक पता चलेगी। लॉजिकल रीजनिंग 240 मार्क्स का है, यानी 6 नंबर आएंगे राइट के और 1.5 रॉन्ग के। कंप्यूटर फंडामेंटल 80 मार्क्स का है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, तो 8 राइट के और 2 रॉन्ग के। इंग्लिश भी 80 मार्क्स का, पर इंग्लिश 4R-W होता है, यानी 1 रॉन्ग के 4 राइट के। आप अपने स्कोर्स को ऐसे ही कैलकुलेट करिए जो आपने दिया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सभी एमसीए वाले स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि निम सेट की प्रिपरेशन से आप बहुत अच्छे से BHU, JNU, पुणे यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो लगभग कवर होते हैं, इसलिए मॉक सीरीज चालू की। पर जब BHU, JNU इनकी भी एग्जाम डेट आएगी तो मैं इनके भी आपको मॉक पेपर्स दूंगा अगर आप अपेयर हो रहे होंगे। एक चीज़ आप सभी लोग याद रखिए, एमसीए ऑनलाइन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि आपके पास, आप में से कुछ लोग ध्यान रखिए जो यहाँ पर सेशन चल रहे हैं, रिवीजन सेशन स्पेशली, उनको मैं वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी देखिए कि रिवीजन कैसे करना चाहिए टॉपिक का। जो नए स्टूडेंट हैं उनको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन का इतना अच्छा रिजल्ट है, उसको देखते हुए कि कैसे हम और आप कनेक्ट रहें और कैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग की भी अब क्लास शीट आपको नेक्स्ट वीक से आना चालू होंगी। ये टेस्ट पेपर देने का पर्पज यही था, और इनके डिटेल सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मैंने डाल दिया है वेबसाइट पे, वहां जाके आपको उसको देखना है, रिवीजन क्लासेस को देखना है। अभी 31st सेशन मैंने जब आपके साथ शेयर किया, आपने जब मुझे बताया और आपको मैंने बोला भी था स्टेटमेंट लिख के भेजो, आप में से बहुत सारे लोगों ने भेजा, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। याद रखिए, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो आपने अपने लिए लिखा है, कमिटेड रहिए। जो आपने 31st को डिसाइड किया, मैं हर वीक याद दिलाऊंगा, वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। तो आप दूर हैं, पर दूर होके भी आप हमारे साथ बहुत पास हैं, यही मेरी कोशिश और यही कर रहा हूं। तो इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए, और इस पेपर का पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्लीट, और आप समझेंगे कि कहां पे किन किन एरियाज में कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एक ये सेक्शन जो इंग्लिश है, मैं सभी को एक बात बोलता हूं कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं। लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस होने की जगह इन 3 सेक्शंस पे अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस संडे भी मॉक पेपर है, और अब हर संडे एक मॉक पेपर आपका हो गई। मॉक पेपर मतलब हो गया ये टेस्ट सीरीज, और इसकी फ्रिक्वेंसी मार्च में हम बहुत तेज़ी से बढ़ा लेंगे। अभी वंस इन अ वीक है, फिर ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक तक रखेंगे। इसके अलावा जो एक और टेस्ट होगा मैथ्स में, वो होगा आपका फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर क्लास में जो फास्ट्रैक वाले बच्चे उनको फंक्शन स्टार्ट किया, पुराने स्टूडेंट का रिवीजन फंक्शन है, तो ये 2 टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आपको वेक्टर के भी क्लास टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि इस वीक में वेक्टर हो रहा है, इसके क्लास टेस्ट मिलेंगे, ये भी सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे मिलेगा, impetusgurukul.com पे। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। तो अब आपकी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए, पर्पज यही है कि आप बेस्ट परफॉर्म करें। अच्छा, एक और बात बोलूंगा, ये सब 19 के लिए है। अगर हो सकता है कुछ पेपर में मॉक पेपर भेजूंगा 20 और 21 वालों को, सभी नहीं भेजूंगा, अभी बंद कर दूंगा भेजना, क्योंकि अभी आपको मॉक पेपर नहीं देना, पर 2-3 मॉक पेपर इसलिए भेजूंगा जिससे आपको एक पेपर पैटर्न का एक बहुत क्लियर कट आइडिया लगे और उनके सॉल्यूशंस को आप समझ पाए। बाकी अभी 20 और 21 वालों के लिए फंक्शन का टेस्ट और वेक्टर के टेस्ट को दिया जाएगा, और बहुत अच्छी बात है, 20 और 21 वाले रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं। सही समय पे एक्शन लेने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा अभी अभी मैंने देखा, थर्ड सेमेस्टर वाले
सेकेंड सेमेस्टर वाले जिनके एग्जाम्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे जुड़ोगे तो आपको बात का प्रेशर कम होगा, आप जितना लेट करेंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये बात आप भी समझते हैं, तो ध्यान रखिए। तो ये इस संडे का टेस्ट प्लान है, हम हर हफ्ते ये टेस्ट प्लान मैं देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा, और इस टेस्ट प्लान का एक पर्पज़ होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैं आपको बोलूँ आप मुझसे जुड़े और इन पेपर्स के लिए मेहनत करें। तो इन पेपर में परफॉर्मेंस देना चालू करिए, पेपर में परफॉर्मेंस का तरीका एक ही होगा, प्रॉपर पेपर की स्कैनिंग करा करिए। याद रखिए इसके लिए आपको 2 आवर्स देना है और इसके लिए आपको 1 आवर देना है। तो इस 2 आवर में आप पहले 5 मिनट पेपर की स्कैनिंग करें, देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ टाइम हमेशा कोशिश करें पहले मैथ्स सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स का हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, फिर लॉजिकल रीजनिंग पर जाएं, कंप्यूटर फंडामेंटल आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, देख के ही बन जाएगा, अगर बाद में टाइम बचता तो इंग्लिश पे जाएं, अदरवाइज वैसे भी अगर ओवरऑल देखें हम टाइम तो 120 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो छोड़नी ही होगी जब भी आप पेपर अच्छे से कर सकते हैं, तो वो माइंड सेटअप लेके चलें, इसलिए मैंने आपको पेपर दिया है। सिंपल टू टफ ऑर्डर में जाएं, पेपर की बाद में एनालिसिस अच्छे से करें जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़े, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो वो बताएं। अभी मैंने जो रिवीजन क्लास ले रहा हूँ उसमें आप लोग जो डाउट भेजते हो वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और रिवीजन क्लासेस को मैं आपको वेबसाइट पे शेयर कर रहा हूँ, तो आपके धीरे धीरे ये ऐसे डाउट्स भी कवर होते जाएंगे। वैसे भी जो टेस्ट पेपर्स हैं उनमें लगभग आप जो डाउट पूछोगे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे आपके डाउट्स अपने आप कवर होते जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करिए, संडे को फोकस रहिए। फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन भी आएगा, नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्जाम सेंटर क्या लेना है, फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक होती है। लास्ट ईयर भी मैंने जबकि बताया था उसके बाद भी कुछ बच्चों से मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक ना हो इसलिए मैं अब हर संडे इस मैसेज के साथ एक बात बोलूंगा कि फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है, वो मैं जैसे ही एग्जाम डेट आएगी वैसे ही आपके साथ शेयर करूंगा, उस सेशन के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके पहले नहीं। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए निम सेट का जो फॉर्म होता है वो मैं खुद फिल करूँ या किसी और से करवा लूँ, तो मैंने उससे एक ही बात बोला अभी फॉर्म आ गया क्या, नहीं, तो अभी अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए, जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना है, फॉर्म में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, वो कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।